गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद। आज है 22 मई 2023 और आज के दैनिक समसामयिक से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, तो ये वीडियो निश्चित तौर पर आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो जंग में कागजी अफरातों से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादातों से क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 20 मई को। 20 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व मधुमक्खी दिवस। मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं? मधुमक्खी पालन को बोलते हैं एपीकल्चर, एपीकल्चर। 20 फरवरी को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे, यानी विश्व सामाजिक न्याय दिवस। इसके बाद है 20 मार्च, 20 मार्च को क्या मनाते हैं? विश्व गौरैया दिवस। वही गौरैया जो आपके घरों में आती होगी सुबह सुबह, ठीक है। 20 अप्रैल को कोई भी इंपॉर्टेंट डे नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट 21 अप्रैल को, 21 अप्रैल को मनाते हैं सिविल सर्विस डे। सिविल सर्विस डे मनाते हैं। 22 अप्रैल को पता ही हो क्या मनाते हैं? 22 अप्रैल को मनाते हैं अर्थ डे, ठीक है। आगे देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? तो देखिए, अप्रैल को मैं 7 और अप्रैल को 4 लिख दूंगा, ठीक है। समानता दिवस कब मनाते हैं? तो भीमराव अंबेडकर जी जो थे उनके जन्म दिवस मनाते हैं समानता दिवस, तो ये क्या है? 14 अप्रैल। विश्व विरासत दिवस कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 18 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को। मलेरिया दिवस कब मनाते हैं? 25 अप्रैल को मनाते हैं। और 24 मार्च को क्या मनाते हैं? टीवी डे। टीवी डे की थीम क्या थी? यस वी कैन एंड टीवी। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस ये कब मनाते हैं? 26 अप्रैल को मनाते हैं विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। आगे देखते हैं, मजदूर दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 1 मई, 1 मई 2016 को कौन सी परियोजना स्टार्ट हुई थी? तो उज्ज्वला योजना और उजाला योजना। तो 1 मई 2016 को शुरू हुई थी उज्ज्वला और 1 मई 2015 को स्टार्ट हुई थी उजाला योजना। उजाला क्या है? उन्नत ज्योति अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल, उजाला। और उज्ज्वला क्या थी? कि गैस के लिए सब्सिडी मिलेगी, 1600 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी जो भी बीपीएल यानी बिलो द पॉवर्टी लाइन लोग आते हैं उनको। और कहां शुरू हुई थी? उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से। अंतरराष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 3rd of May। भारत की इस बार जो प्रेस स्वतंत्रता की रैंकिंग है वो कौन सी है? 161वीं। कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। किस देश के द्वारा जारी की जाती है? फ्रांस के द्वारा। विश्व अस्थमा दिवस, विश्व अस्थमा दिवस कब मनाते हैं? 7 मई को। अच्छा, 7 मई को और भी कोई दिन है? तो एथलेटिक्स डे, एथलेटिक्स डे। इसके बाद विश्व रेडक्रॉस दिवस, रेडक्रॉस दिवस को मनाते हैं 8 मई को मनाते हैं, हेनरी डुनेंट का बर्थडे है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाते हैं 12 मई को, 12 मई को। विश्व तंबाकू निषेध दिवस को मनाते हैं 31 मई को, ठीक है। पराक्रम दिवस ये एग्जाम में पूछा जा सकने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पराक्रम दिवस। और एक है स्टार्टअप डे, ये सब कब मनाया जाता है, ठीक है। तो पराक्रम दिवस मनाते हैं 23 जनवरी को और स्टार्टअप डे कब मनाते हैं? 16 जनवरी को, ठीक है।
सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन था 23 जनवरी को, इसलिए मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का कितना अनुमान व्यक्त किया है? तो इन्होंने बताया था कि 2023 में 5.8% रहने वाला था अनुमान, और तो इन्होंने बताया कि 2024 में जो वृद्धि होने वाली है वो 6.7% की है। कितनी है? 6.7% की, कि हमारे यहाँ जो अर्थव्यवस्था में विकास है वो बढ़ेगा, यानी परसेंटेज बढ़ेगा, लेकिन जो हमारा निर्यात है, जो हमारा निर्यात है, जो हम दूसरे देशों को भेजते हैं वो कम हो जाएगा, मांग में जो विदेशी मांग है वो कम हो जाएगी, लेकिन हमारे देश के अंदर की मांग बढ़ेगी क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। जहां एक कोई भी एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, जहां जलेबी बन रही है वहां 10 लोग जुटते थे, अब वहां 100 लोग जुटेंगे, 20 लोग जुटेंगे, 15 लोग जुटेंगे, स्कूलों में बच्चे बढ़ जाएंगे। सबसे बड़ा एग्जांपल ले लीजिए, जहां कंपटीशन में 21 लाख भरते थे अब 50 लाख भरेंगे, जहां 1 करोड़ भरते थे वहां 1.5 करोड़ भरेंगे। अब जो एलपी वैकेंसी आएगी उसमें कम से कम 1.5 करोड़ लोग रहने वाले हैं, अगर इंटर और ग्रेजुएशन दोनों को मिला के लेता है तो। आगे देखते हैं, हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, तो देखिए भारत की जो है एयर इंडिया और फ्रांस की है एयर बस, इन दोनों में कोलैबोरेशन हुआ है। तो कोई भी देश जब किसी से संबंध जोड़ता है तो उससे अच्छा खासा नाश्ता कराता है ना, जब आपका कोई स्पेशल दोस्त बनता होगा, स्पेशल किसी पार्टी या मीटिंग से रिलेटेड कोई वो होता होगा तो उसको जाके अच्छे से खिलाते पिलाते होंगे, पूरा एक दूसरे को सम्मान देंगे कि भाई बिजनेस जोड़ना है, ये करना है, वो करना है, होता है ना। तो वही जब आप किसी साहूकार की दुकान पे जाएंगे तो तुरंत आपको कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलाएगा, बढ़िया से चाय पानी नाश्ता कराएगा, क्योंकि पता है कि आप उनके कस्टमर है। तो अब देखिए उन्होंने क्या किया, फ्रांस के एयरबस से हमारा वो हो रहा है, एयर इंडिया का टाई अप हो रहा है, तो उन्होंने एक पुरस्कार दे दिया है, ठीक है, एन चंद्रशेखरन को, ठीक है, ताकि उनका सम्मान करेंगे, ताकि उनको सम्मान मिलेगा तभी वो आगे व्यापार करेंगे ना, ठीक है। उसको याद रखिएगा, एन चंद्रशेखरन, क्या नाम है, सेवेलियर डे ला लीजन डी पुरस्कार। इससे पहले ये शशि थरूर को, किरण नादर को भी मिल चुका है, ठीक है। एबल को बोलते हैं मैथ का नोबल, इसको बोलते हैं मैथमेटिक्स का नोबल, ये इस बार मिला है लुइस कैफरेली को मिला है, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, ये कौन है, सज्जन है, बहुत ज्यादा सज्जन है ये, सज्जन जिंदल, ठीक है। यूनेस्को शांति पुरस्कार किसको मिला है, एंजेला मार्केल। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार, ये मिला है महेंद्र मिश्रा। आगे देखते हैं, हाल ही में श्रेणी 3, मतलब कि खतरनाक लेवल होता है ना, कि एक क्वालिटी का 2 नंबर का 3 नंबर का, तो श्रेणी 3 का सबसे खतरनाक वाला है, के चक्रवात फेबियन, कौन सा चक्रवात है, फेबियन की कहां उपस्थिति दर्ज की गई, कहां आने की संभावना बताई गई, तो ये बताई गई है हिंद महासागर क्षेत्र में। इससे पहले एक बंगाल की खाड़ी में आपने सुना होगा आया था मोचा, जो कि म्यांमार में बहुत ज्यादा तबाही मचाया, और भारत ने अपनी तरफ से एक क्या बोलते हैं उसको हेल्प करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए एक ऑपरेशन भी चालू किया जिसका नाम ऑपरेशन करुणा रखा गया है। आगे देखते हैं, हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री पद पर किसे चुना गया है, तो कर्नाटक में तो मुख्यमंत्री सीट पे तो एकदम बच्चों जैसी लड़ाई चल रही थी, बट देखिए इन्होंने सुन लिया कि सिद्धारमैया 2.5 साल तक रहेंगे, और इसके बाद डीके सुकुमार ये भी 2.5 साल तक रहेंगे, पहले लेकिन ये रहेंगे, तो सिद्धारमैया इस समय बने हैं सीएम, जब ये 2.5 साल खत्म हो जाएगा तब डीके शिवकुमार बनेंगे सीएम, अब इस पे बनेगी मूवी, स्टोरी तो कुछ ऐसे ही है। बसवराज बोम्मई पहले के सीएम थे, ठीक है, और इन लोग को, इनको जो शपथ दिलाएगा वो कौन दिलाएगा, राज्यपाल दिलाएगा, राज्यपाल कौन है, थावरचंद गहलोत। तो इस क्वेश्चन का आंसर पहला सही ऑप्शन नंबर 1 सिद्धारमैया, ठीक है। अब ये देख लीजिए, अध्यक्ष 21वां विधि आयोग, अच्छा इस समय एक वो बने हैं माणिक साहा, ये कहां के सीएम बने, तो ये बने हैं
त्रिपुरा, जो तीन तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा, ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। इसके बाद है अध्यक्ष, 21वीं विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये बने हैं ऋतुराज अवस्थी, ऋतुराज अवस्थी। इसके बाद है राष्ट्रीय महिला आयोग, ये किस नंबर की है, 9th नंबर की है, क्या नाम है इनका, रेखा शर्मा, रेखा शर्मा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का क्या नाम है, मतलब इसके जो अध्यक्ष है उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है हंसराज, हंसराज गंगाराम अहिर। इसके बाद है कर्मचारी चयन आयोग SSC, जो सीजीएल पेपर होता है, MTS होता है, CHSL होता है, GD होता है, उसके जो कर्मचारी चयन आयोग नहीं, SSC जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसके अध्यक्ष कौन है, तो उसके अध्यक्ष है S किशोर, किशोरों को बूढ़ा बनाने के चक्कर पड़े हैं। सातवां वेतन आयोग, सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये है अशोक कुमार मोहंती, क्या नाम है, बहुत मेहनती है, अशोक कुमार मोहंती, इनका नाम याद रखिएगा, अशोक कुमार मोहंती। इसके बाद लोकपाल, लोकपाल के अध्यक्ष कौन है, प्रदीप, ठीक है, प्रदीप मोहंती, ठीक है, और ये अशोक कुमार मोहंती नहीं है, ये है माथुर, अशोक कुमार माथुर। इसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल, नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल के अध्यक्ष कौन है, अरुण कुमार मिश्रा, अरुण कुमार मिश्रा, अरुण कुमार मिश्रा। इसके बाद आगे देखते हैं नीति आयोग, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 को, योजना योजना आयोग के स्थान पर, ठीक है। इस समय के अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष कौन होते हैं, पीएम होते हैं, तो जिस समय की मतलब बात पूछेगा उस समय के जो पीएम होंगे वही होंगे उसके अध्यक्ष। तो जब से 1 जनवरी 2015 से आप देख ही रहोगे कौन है पीएम, तो नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। उपाध्यक्ष कौन है इस समय, तो इस समय उपाध्यक्ष है सुमन कुमार बेरी, सुमन कुमार बेरी। पहले उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनगड़िया। इस समय के सीईओ कौन है, BVR सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहली योजना किसने प्रारंभ की है। अच्छा, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ते, आधी बात वहीं समझ में आ जाएगी। डिजिटल ग्रामीण शिक्षा यानी गांव के स्कूलों में डिजिटल शिक्षा यानी कि डिजिटल बोर्ड के द्वारा, ऑनलाइन ऑडियो वीडियो के द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहल योजना शुरू की है, और ये योजना किसने शुरू की है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो ये है रियाना बरनावी, क्या नाम इनका, रियाना बरनावी। पहले हैंडीकैप पर्सन को जो कि अंतरिक्ष भेजने का प्लान बनाया, वो बनाया यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। आगे देखते हैं, चांद पर जाने वाली पहली महिला का जो नाम सेलेक्ट किया गया, वो किया गया क्रिस्टीना कूच, क्या नाम है इनका, क्रिस्टीना कूच। इसके बाद आगे देखते हैं, हाल ही में किरण रिजिजू को कानून मंत्रालय से हटाकर किस मंत्रालय का प्रभार दिया गया है, तो इन्हें कानून मंत्रालय का से हटाकर इन्हें दिया गया पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय दिया गया, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ठीक है। आगे देखते हैं, द गोल्डन ईयर्स ये बुक है किसकी है, रस्किन बॉन्ड की, किसकी बुक है ये, रस्किन बॉन्ड की। ये बुक मतलब जरूर से इसको याद रखिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद आता है द ब्लू बुक। तो द ब्लू बुक किसने लिखा है? इसको लिखा है अमिताभ कुमार, अमिताभ कुमार, ठीक है। इसके बाद क्वीन ऑफ फायर, क्वीन ऑफ फायर किसने लिखा है? देविका रंगाचारी, ठीक है। इसके बाद द टाइगर ऑफ द्रास, द्रास हिल के जो वार थे उसके बारे में ये स्टोरी है, किसने लिखी है इसको? मीना नैयर, किसने लिखा है? मीना नैयर, ठीक है। अष्टांग योग, अष्टांग योग किसने लिखा है? सोनू, सोनू ने लिखा है, सोनू फोगाट। चलो पहलवानी छोड़ के कुछ तो किया, सोनू फोगाट ने लिखा है। आगे देखते हैं, हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र विज्ञान के क्षेत्र में योगदान देने वालों के बारे में सामान्य जन को अवगत कराने के लिए, यानी लोगों को जानकारी मिल सके, इस वेबसाइट के जरिए जो भी जानकारी लेना होगा कि आम जनता जाके उस पर ले सकती है, सारी चीजें डिटेल दे सकती है, उस हिस्ट्री के बारे में, आगे क्या योजना है, सारी चीजों के बारे में जान सकती है। तो क्या नाम है इसका? विज्ञान वैभव पोर्टल। उस पोर्टल का नाम क्या है? विज्ञान वैभव पोर्टल, ठीक है। आगे देखते हैं, संगम युवा पोर्टल, संगम युवा पोर्टल को किसने जारी किया है? तो कौशल मंत्रालय ने, ठीक है, कौशल मंत्रालय ने जारी किया। ये पूर्वोत्तर राज्यों के, पूर्वोत्तर राज्यों के जो छात्र हैं उनको बाकी देशों के राज्यों से संबंध बनाने के लिए, ताकि वो एक दूसरे से अपनी चीजें साझा कर सके और एक दूसरे से कंधा मिला के आगे बढ़ सके। आब मतलब होता है पानी, आब प्रहरी है, जो भी जल जमाव की जो दिक्कतें होती हैं उनसे छुटकारा पाने के लिए आईआईटी दिल्ली के बच्चों ने इसको बनाया है, आब प्रहरी ऐप। श्वास ऐप, ये श्वास है, श्वास ऐप, ये तमिलनाडु सरकार ने इसको लॉन्च किया है, वहां के स्वच्छता कर्मियों के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए, उनकी सैलरीज को बढ़ाने के लिए, उनके रोग सुविधाएं, पढ़ाई, शिक्षा, जीवन स्तर को एक तरह से बोल सकते हैं उच्च करने के लिए स्वास्थ्य ऐप लॉन्च किया है। जलदूत ऐप, जलदूत ऐप को लॉन्च किया है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। और अभी हाल ही में ग्रामीण विकास, अभी हाल ही में ग्रामीण विकास अधिकारी की जो है, यानी वीडियो की पोस्ट भी आ चुकी है, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और कल से इसका फॉर्म भरा जाएगा 23 तारीख से। अपना कांगड़ा ऐप, कांगड़ा ऐप हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, और जो भी वहां पे टूरिस्ट आएंगे ताकि उनको वहां पे कोई असुविधा ना हो, और जो भी हस्तशिल्प सामान होंगे उनको प्रमोट किया जाएगा और लोगों के पास आसानी से पहुंचाया जाएगा, टूरिस्टों के पास, उनको खरीदने में दिक्कत ना हो और लोगों को बेचने में दिक्कत ना हो, सिंपल। आगे देखते हैं, आज का रिवीजन कर लेते हैं। विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाते हैं? 20 मई को। इसके बाद हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का कितना अनुमान व्यक्त किया? 6.7%। हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डेला लीजन डी ऑनर से किसे सम्मानित किया है? एन चंद्रशेखरन। हाल ही में श्रेणी 3 के चक्रवात फेबियन की कहां उपस्थिति दर्ज की गई? तो ये की गई है हिंद महासागर में। हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री पद पर किसे चुना गया है? सिद्धारमैया को। हाल ही में डिजिटल ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहली योजना प्रारंभ की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। हाल ही में किरण रिजिजू को बनाया गया पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का हेड। द गोल्डन ईयर बुक लिखी गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने विज्ञान के क्षेत्र में योगदान देने वालों के बारे में सामान्य जन को अवगत कराने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो विज्ञान वैभव पोर्टल। इसके बाद कल का सवाल था, हाल ही में इटली में लग्जरी ब्रांड, इटली के लग्जरी ब्रांड गुच्ची ने किसे अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? आलिया भट्ट, आलिया भट्ट, ईम क्लीन कोल्ड क्रीम, आलिया भट्ट साहब, ठीक है। आगे देखिए, आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जब टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तख्तो ताज नहीं होते, अंधेरे में ही ढूंढ लेना अपनी मंजिल को, अंधेरे में ही ढूंढ लेना अपनी मंजिल को दोस्तों, क्योंकि जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, कीप स्टडी, कीप मोटिवेटिंग।